वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो आज है मेरा डे वन। तो आज हम व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं अपने घर से। तो आज हम करने वाले हैं थोड़ी ग्राउंड में जाके एक्सरसाइज। और अभी अभी मैं आया हूँ, ये देख रहे हो मेरा बैग खुला हुआ है। अभी अभी मैं देहरादून से आया हूँ, तो मैं रात का व्लॉग बना नहीं पाया। तो अभी चलते हैं ग्राउंड, पहले थोड़ा सा मैं ज़रूरी प्रक्रिया कर लेता हूँ अपनी थोड़ी सुबह की, फिर उसके बाद चलते हैं ग्राउंड सीधे। तो ग्राउंड पर सबसे पहले आके हमने किया था वार्म अप। वार्म अप किया हमने वीडियो बनाने का, तो फिर उसके बाद सीधा हमने रनिंग चालू कर दी थी। रनिंग किया हमने हमारे 400 मीटर के। फिर उसके बाद हमने किया था थोड़ा सा कूल डाउन। कूल डाउन से हमारी थोड़ी सी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। फिर उसके बाद हमने अपने एक्सरसाइज का सेशन चालू कर दिया था। रनिंग करने के बाद हमने हमारी सबसे पहले डिप्स डिप्स मारी हमने 15 के सेट मारे हमने दो। तो डिप्स मार के हमारी हो गई थी बॉडी गर्म। डिप्स मारने के बाद हम आ गए थे देसी सपाटे पे, दूसरी एक्सरसाइज हमारी। तो आज की हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी देसी सपाटे, अंकित बेनपुरिया भाई के स्टाइल में। मेरा साथ दिया सपाटे में अमिता ने, अमिता के साथ मैंने 10 के 2 सेट मारे। फिर उसके बाद हम आ गए तीसरी एक्सरसाइज पे। आने के बाद हमने थोड़ा सा ये एडवांस वर्जन ऑफ देसी सपाटे था, यहाँ पर हमारे जीवन मैंने साथ दिया। देसी सपाटे मारने के बाद हमने कर दिया था अपनी एक्सरसाइज ख़त्म, क्योंकि आज का वर्कआउट काफ़ी हो गया था। फर्स्ट डे हैवी हो जाता है, तो कल से आने का मन नहीं करता, इसलिए हमने आज के वर्कआउट कर दिया था, यहीं पे ख़त्म। तो दिन भर की थकान के बाद अब हम एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं, क्योंकि आज है मेरा NIELTS का पेपर। फिर उसके बाद दिन में आज सुबह हमने की थी एक्सरसाइज, तो सो गया था थक के आ रहे। अब बनाएंगे अपने लिए खाना और मम्मी के लिए भी, ठीक है, कोई है नहीं इसलिए। तो हम बनाने जा रहे हैं आज जल्दी जल्दी फटाफट खिचड़ी। खिचड़ी बना के खा के निकलते हैं फिर फटाफट। चावल मैंने भिगो के रखे थे, बाकी अभी बनाते हैं कुछ आइटम। चावल को सोखने के रखने के बाद फिर मैंने उनको धो दिया था। धोने के बाद मैंने कुकर चढ़ा दिया गैस पे, प्याज काटा। प्याज काटने के बाद छौंका लगाया, चावल डाले, थोड़ा गोभी काटी, हल्दी मिर्च मसाला डाल के हमारी हो गई। ये हमारी बनने वाली खिचड़ी। हम खाना चढ़ाने के बाद मैं निकल गया था सीधे हल्द्वानी की ओर, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, मेरे को दोस्त को भी उठाना था। तो सीधे हमने खाना चढ़ाने के बाद खाना खाया और सीधे निकल गए हल्द्वानी की ओर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे और अपनी खिचड़ी इंजॉय कर रहा हूँ। ये रही हमारी खिचड़ी, ऐसी बनी है। टेस्ट में भी अच्छी हो रही है, जल गई थी थोड़ी सी बट अच्छी बनी है, मतलब खाने के बाद। तो खाना खाने के बाद मैं निकल गया था एग्ज़ाम देने हल्द्वानी। तो गाइस ये रहा आपका किच्छा से नैनीताल रूट, जो कि लाल कुआं रूट है, ठीक है। तो रोड काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पे पेपर देने के बाद हम थोड़ा सा घूमे भी थे। तो रोड धूप भी निकली हुई थी, तो ठंडा तो लग नहीं रहा था, तो एक ही अपर पहन के मैं दोस्त के साथ निकल गया था। फिर एग्ज़ाम देने के बाद थोड़ा सा घूमा, फिर आ गया मैं घर। हेलो गाइस, तो हम यहाँ आ चुके हैं अपना अमृतपुर के पास ही कोई जगह है, ठीक है, रानीबाग के पास। मस्त व्यू आ रहा है अपना, पुला पुल टाइप का है। और ये लोकेशन देखो, इधर देखो पूरा नदी आ रही है, मस्त पहाड़ों का व्यू आ रहा है। भीमताल को वो जो सामने रोड दिख रही है आपको, भीमताल की रोड जा रही है मस्त ऊपर से आ सकते हो। सामने अपना बैठने का, पीछे अपना मंदिर हो गया, ठीक है। यहाँ पे साइड में भी मंदिर है, आराम से आओ घूमने। तो ये अगर एक्सप्लोर करनी है तो हल्द्वानी की हिडन प्लेस है, मस्त से आए।